हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। जो बच्चे जो नीट 2023 में देने वाले हैं उनके लिए हम टारगेट का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा जो वीडियो जाएगा आपका वो 11th का जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो एक वीडियो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दूसरा वीडियो मिलेगा यूनिट एंड डायमेंशन का, मतलब कि 11th और 12th दोनों को साथ लेकर चलना है ताकि एग्जाम से पहले हम लोग सिलेबस को ख़त्म कर लें। ओके, तो मैंने स्टार्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब मैंने लिखा है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब लिखा है रेस्ट। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स दो बार लिखा गया ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में एक पॉजिटिव चार्ज होती है जिसमें प्रोटॉन को रखते हैं और निगेटिव चार्ज होती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। क्लियर, वहाँ पर लिखे हैं कि चार्ज प्रोड्यूस ऑन द एनी बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से किसी बॉडी पे क्या होती है, चार्ज प्रोड्यूस होती है ना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से। तो मैंने क्या किया है, मान लिया है, वहाँ पर माना है क्या कि Q1 जो है ना, Q1 वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो Q2 है वो किसकी चार्ज है, प्रोटॉन की चार्ज है। Q2 है जो प्रोटॉन की चार्ज है और Q जो है टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q=Q1+Q2। अगर किसी मटेरियल में या किसी एटम में Q1 चार्ज इलेक्ट्रॉन का है और Q2 चार्ज किसका है, प्रोटॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ रहते हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों का समेशन हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, एक सोडियम एटम ले लिया, सोडियम एटम, इसमें जानते हैं आप 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, है ना, और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अब क्या करते हैं कि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, पहली बात तो रिमूव करते हैं एक इलेक्ट्रॉन तो घट जाएगा। ओके, तो यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि जो Q1 है, Q1 वो चार्ज अब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिसको माइनस ई लिखते हैं, और Q2 कितना हो गया, प्लस ई लिखते हैं, प्रोटॉन का चार्ज हो गया। ओके, तो अब क्या होगा, Q=, ध्यान दीजिएगा, Q=, क्या लिखेंगे, 11 सॉरी अब क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे ना, 10 लिखेंगे, 10 इंटू माइनस ई प्लस 11 इंटू ई, तो कितना हो जाएगा, प्लस ई। यानी किसी भी बॉडी पे अगर आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो उसे इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखे थे टू गिव पॉजिटिव चार्ज, टू गिव पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी वी हैव टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या करना होगा, हमको ट्रांसफर करना होगा। अगर आप किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज चाहते हैं तो वी हैव टू ट्रांसफर या रिमूव कर सकते हैं, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, इसी में यहां पर इलेक्ट्रॉन तो था ही, एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q=,
कितना हो जाएगा माइनस 12e, अब प्लस क्या हो जाएगा 11e, यहाँ पर आएगा क्या माइनस आएगा। फिर वही बात, टू गिवन निगेटिव चार्ज ऑन एनी बॉडी, ऑन एनी बॉडी वी हैव टू एड एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगी, इतना तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी तो ये क्या है, प्रोसेस है। चार्जिंग ऑफ बॉडी क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस इन विच एड या रिमूव द इलेक्ट्रॉन, या तो ऐड करेंगे या तो रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन को या तो ऐड करेंगे या नहीं तो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्लियर है ये बात, ओके। तो सबसे पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन लिखिए, अच्छा है क्या लिखिए, रबिंग है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। इसमें क्या करते हैं, रब टू बॉडी, दो बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं, रब टू बॉडी, दो बॉडीज को आप क्या करेंगे, एक दूसरे पर रब करेंगे, तो क्या होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, अपोजिट नेचर के चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ग्लास रॉड है, क्या है भाई, ग्लास का रॉड है ना, इसे डायग्राम बना दिया हूं मैं, और यहां पर क्या है, सिल्क क्लोथ। तो जब इसको इस पे रगड़ा गया, इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, ठीक है ना। ये वर्क फंक्शन किसकी बॉन्ड कितनी मजबूत है उस बात पर डिपेंड करता है, जिसकी बॉन्ड जितने ही ज़्यादा होगी है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होगा, कठिन होगा, तो उस पे निगेटिव चार्ज चली जाएगी, जिसका बॉन्ड ज़्यादा होगा उस पे निगेटिव चार्ज, और जिसकी बॉन्ड क्या होगी, कमजोर होगी, उस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जिसकी बॉन्ड क्या होगी, कमजोर होगी। समझ में आ रही बात, ग्लास रॉड ले लिया, उसी तरह से इबोनाइट का एक रॉड लिया है ना, इबोनाइट एक मटेरियल है, इबोनाइट, ठीक है। यहाँ पर ले लिया क्या, कैट फॉर है ना, इस पर क्या कर दिया उसने, इस तरह से उसने इसको रगड़ दिया, इस पर रब किया, तो इस पर क्या आ गया, इस पर आ गया निगेटिव चार्ज और इस पर आ गई पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो ये हो गया आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन में काफ़ी आसान है। इस पे क्या है कि मान लीजिए, इसमें होता है कि दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, सबसे पहली बात है ना, टू बॉडी कम्स इन कांटेक्ट, दो बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तो सेम नेचर के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, ओके। तो यहां पर क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ग्लास रॉड है,
ठीक है, ग्लास रॉड है, इस पर चार्ज कितना है, प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक क्या है, मटेरियल है। अब इसको क्या करके कंटेक्ट में लाएंगे, कंटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, सेम नेचर के चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज का, ओके। अब इसका एक मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, इसको और समझने की कोशिश करें, किसको, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक स्फीयर है और एक स्फीयर यहाँ पर है ना, यहाँ पर चार्ज कितना है Q, यहाँ पर भी चार्ज कितना है Q, एक स्फीयर यहाँ पर है ना, इस पर चार्ज कितना है, जीरो चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है, ओके। इसका नाम मान लीजिए A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। मैं क्या करता हूँ कि इसके द्वारा कनेक्ट करता हूँ, मैंने कॉन्टेक्ट में लाता हूँ इसको पहले, है ना। तो जब कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो कितना चार्ज इस पर आएगा, Q प्लस जीरो डिवाइडेड बटे टू। इससे क्या, फिर कनेक्शन क्या कर दिया, काट दिया, पहले इसको हमने कॉन्टेक्ट में लाया तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q बाई टू इस पे, Q बाई टू इस पे, उसके बाद कनेक्शन को क्या कर दिया, मैंने काट दिया। तो यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, A पे, A पे चार्ज आएगा Q बाई टू। ये कौन है, C है, C पे चार्ज कितना आएगा, Q बाई टू। ये कौन है, B है, B पे चार्ज कितना आएगा बंधु, Q। अब क्या करते हैं, इसके साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, अब फिर कनेक्शन को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो फिर क्या होगा, Q बाई टू और प्लस Q डिवाइडेड बटे कितना है, टू, ये कितना हो जाएगा, 3Q/4। ये समझ में आ रहा है। तो फाइनल फिर इसको क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बाई टू आ गया A पे, यहाँ पर क्या आ गया बंधु, यहाँ पर आ गया 3Q/4 आया, और ये कौन हो गया, C, और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 3Q/4। समझ में आया, ये B हो गया। इस तरह से चार्ज का कंडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एक है, तीसरा है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसमें क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या होती है कि दो बॉडी नियर आती है ना, टू बॉडीज कम्स इन नियर, है ना, टू बॉडीज कम्स इन नियर, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस। अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है, सही बच्चों, क्या होता है भाई, अपोजिट नेचर का चार्ज, है ना, दोनों पे अपोजिट नेचर के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, क्या ये मेटल स्फीयर है, मेटल, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग स्ट्रेंसेस फिट कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि इस पे चार्ज प्रोड्यूस हो, तो क्या करेंगे, इसके करीब में एक लाएंगे। अब सपोज दैट कि मैं चाहता हूँ कि इस पर नेगेटिव चार्ज आए, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग नजदीक में लाएंगे, है ना, दोनों को आपस में क्या होगा, नजदीक में लाएंगे। याद रखो भाई, मेटल के ऊपर नेट चार्ज कितना है भाई, जीरो, मेटल के ऊपर नेट चार्ज कितना है, जीरो, और उसके बगल में मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अब इसको क्या करते हैं, नजदीक लाते हैं, तो नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, जरा देखिएगा, जब इसको हम नजदीक ला दिए ऐसे, तो ये सारे क्या करेगा, सब पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा, ये नेगेटिव चार्ज देखो ऐसे ऐसे आएगा, इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, सब रिपेल कर देगा। अभी भी इस पे नेट चार्ज क्या है, अभी भी नेट चार्ज क्या है बंधु, जीरो है। तब क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले फर्स्ट में इसमें अर्थिंग लगा देते हैं, इससे क्या होता है, सारे प्लस क्यू चार्ज कहाँ अंदर आ जाते हैं, तो कुछ देर के बाद ऐसे दिखेंगे, अगली बार ऐसे दिखेगा, ये माइनस 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 माइनस, और यहीं पर रहेगा, इसको यहीं पर रखना है, प्लस प्लस प्लस, इसको भी यहीं पर रखना है, ओके। अब पहले डिस्कस कनेक्ट किसको करना है, अर्थिंग को, तो ऐसा हो जाएगा, और फिर इसको क्या करना है, इसको रिमूव करेंगे। अब क्या कर दिया मैंने, इसको रिमूव कर दिया, रिमूव किया था क्या बन गया बच्चों, लास्ट में ये बन गया, देखा, और इस पर कितना चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया,
इस पे माइनस चार्ज आ गया। ओके, तो इसके बाद ये स्टेप है, फिर इसके बाद ये स्टेप है, ओके, फाइनल स्टेप ये, यानी बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव फ्री चार्ज हो गई। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो हम लोग टारगेट के लिए पढ़ रहे हैं भाई, टारगेट को मतलब कि हम लोग को समय पे सिलेबस को खत्म करना है, तो उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे टारगेट के अनुसार। तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, पहला है एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसमें क्या करते हैं कि जो भी चार्ज होगा ना उसका हम लोग क्या करते हैं, नेट कर देते हैं, नेट। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चार्ज है Q1 Q2 अप टू डॉट 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 Qn, तो सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एडिटिविटी का मतलब यहीं पे है कि आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे नंबर की तरह। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए प्लस 2Q है, माइनस 6Q है, अब प्लस Q है, तो इस पर नेट चार्ज कितना हुआ, इस पर नेट चार्ज जो हुआ प्लस 2Q हुआ, प्लस Q हुआ, माइनस 6Q हुआ, माइनस कितना हुआ, 3Q हुआ। तो ये बॉडी क्या हो गई, बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज, बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज। डाउट नहीं। दूसरा है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको हम लोग बोलते हैं। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि जो भी चार्ज होता है किसी बॉडी पे ना, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। क्लियर। क्यू क्या हो गया भाई, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी, क्यू हो गया चार्ज ऑन बॉडी, एन क्या हो गया, इंटीजर, इंटीजर मतलब कि ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस 2, इस तरह से वैल्यूज होगा। ई जो हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, याद रखेंगे हम लोग इसको, है ना। एन हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी कंप्लीटली आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या 100 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो, यानी हाफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हाफ इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते। क्लियर, इसका मतलब ये होगा। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है कि जो चार्ज होती है ना, चार्ज, नेट चार्ज, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेट चार्ज ऑफ एनी बॉडी ऑलवेज कौन, जैसे मान लीजिए HCl है यहाँ पर, HCl ये टूट जाएगा, प्लस क्यू और प्लस माइनस क्यू, तो ये आइसोलेटेड मोलकुल है, तो यहाँ पर क्यू इनिशियल कितना हो गया, जीरो, यहाँ पर क्यू फाइनल कितना हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये फाइनली क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर मान लीजिए कि एक मेटल है, सपोज दैट इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर यहाँ से हम ऐसे ट्रांसफ़र कर दिए, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, तो क्यू इनिशियल कितनी है, क्यू जो यहाँ पे इनिशियल है वो कितनी है, जीरो है, और क्यू फाइनल कितना हुआ, यहाँ पर प्लस क्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू होगा, तो क्यू फाइनल जो है, क्यू फाइनल वो भी क्या है, प्लस क्यू और फिर क्या है, माइनस क्यू और ये क्या है, जीरो। यानी चार्ज ऑलवेज कंजर्व इन नेचर, मतलब कि चार्ज क्या होगी, ऑलवेज कंजर्व इन नेचर। अब ये सभी कंसेप्ट से जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है और इसको हम लोग सीखते हैं, कूलम्स लॉ। देखिएगा, कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ ये क्या करता है ना, फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज
पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, ये Q2 है, ये क्या है Q1 है, और एक लाइन ज्वाइनिंग ऐसे मिलाएंगे और इसके बीच की दूरी क्या दे देंगे D, बीच की दूरी हो गई D। तो जो फोर्स है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया Q1, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली से क्या हो गया Q2, है ना। तो फोर्स जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया वन बटे डी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेज की। अगर जितना ज़्यादा चार्ज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगी फोर्स होगी, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बटे क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर। तो F इक्वल टू लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे डी का स्क्वायर। ये हो गया फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। क्लियर है यहाँ तक। K का जो वैल्यूज होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ होती है, और ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या कूलम का स्क्वायर। के इक्वल टू 9 × 10⁹, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बटे कूलम स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर। याद रखें ये हमेशा मॉड में रहता है ना, ये हमेशा किस में रहेगा मॉड में, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि Q1 है, यहाँ पर Q2 का प्रोडक्ट है, ठीक है, तभी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लेस देन जीरो हो गया है कि नहीं। अगर मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। माइनस Q1 है, यहाँ पे क्या है माइनस Q2 है, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहां पे हमेशा हमको क्या लेना है मॉड लेकर चलना है। मॉड मतलब कि ऑलवेज फोर्स क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, फोर्स ऑलवेज क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। यहां पे लिखेंगे कि नाउ नाउ फोर्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। फोर्स ऑलवेज क्या होना चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, ओके। यानी आपको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना, इसी फॉर्मेट में फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया क्या Q2, ये हो गया क्या Q1, और ये है निगेटिव, है ना, ये निगेटिव है। तो फोर्स ऐसे लाइन ज्वाइनिंग होगा, तब ये फोर्स जो होगा ना अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा भाई, ये फोर्स जो होगी अट्रैक्टिव होगी। कैसे अट्रैक्ट करेगी, अब ये माइनस है या प्लस है तो एक दूसरे को खींचेगी। तो आप क्या करो ना, इस पे फोर्स दिखाना है तो इसको आप पकड़ लो, इस चार्ज को आप पकड़ लो, है ना, और इसको फ्री छोड़ दो, फ्री रहने दो। तो क्या होगा ना, इधर अट्रैक्ट होगा, तो इधर अट्रैक्ट होगा तो फोर्स किधर रहेगा, इधर रहेगा ना, इसका फोर्स किधर रहेगा, इधर रहेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, मतलब कि इसी तरह का फोर्स लगेगा। और जैसे मान लीजिए अब यहाँ चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज क्या है बंधु Q2, तो पहले क्या करेंगे लाइन ज्वाइनिंग, इसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग। इसके सेंटर से इसको सेंटर को सीधे मिलाना क्या कहलाता है लाइन ज्वाइनिंग। अब ये पॉजिटिव है तो सीधे कहाँ फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, देखो ऐसे लगेगा एकदम सीधे बाहर की तरफ लगा देना। अगर मान लीजिए भाई कि यहाँ पर माइनस Q2 है और यहाँ पर भी क्या है माइनस Q1 है ना, तो लाइन ज्वाइनिंग हो गया, फोर्स कहाँ लगेगा सीधे बाहर लगेगा, है ना, सीधे बाहर लगेगा ऐसे फोर्स। तो देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाला जब क्वांटिटी, इसका दोनों का मल्टीप्लाइकेशन अगर माइनस आता है तो फोर्स कैसा होगा अट्रैक्टिव, तो ये फोर्स कैसा होगा अट्रैक्टिव होगा, देख रहे हैं ना, है कि नहीं अट्रैक्टिव। और ये दोनों क्या हो गए रिपल्सिव। ये आपको समझ में आया नहीं आया, आया समझ में ये। तो ये हमने फोर्स की बात किया है ना, तो फोर्स जब भी आप निकालेंगे ना तो फोर्स को निगेटिव नहीं लिखेंगे, याद रहेगा फोर्स को कभी भी निगेटिव नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही ना, अब ये नहीं कि फोर्स को तुम निगेटिव लिख दिया है ना और वहां पर नेचर नहीं लिखा,
फोर्स निगेटिव नहीं लिखेंगे, वहां पर नेचर लिखेंगे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, है ना। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। टू फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, है ना। टू फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सेपरेटेड बाई कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फाइंड फोर्स। इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे, डी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर, तो डी इक्वल टू क्या लिखिएगा, डी इज इक्वल टू 3 × 10^-2 मीटर। बोलो, कैलकुलेशन में आपको डरना नहीं चाहिए, है ना। जो आपको बेसिक मैथ पढ़े हुए हैं या आपने स्कूल में जो मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ उसी को ये कन्वर्ट किया गया है, याद रखिएगा। इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा क्या होगा, -1.6 × 10^-19 कूलम, और प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +1.6 × 10^-19 कूलम। तो जो फोर्स का जो फॉर्मूला लिखते थे वो क्या लिखते थे, F इक्वल टू 9 × 10^9, है ना। मोड लिखते थे -E और +E, और डिवाइड बटे क्या लिखेंगे, d2। तो यहाँ पर लिखेंगे F इक्वल टू 9 × 10^9 × 1.6 × 10^-19, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज एक ही है भाई। अब मोड कर दिया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, बोलो। और d का स्क्वायर, d का मतलब क्या है यहाँ पर, 3 × 10^-2 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 10^9 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2.56 आएगा, 2.56 × 10^-38 आएगा। क्लियर है ये, 38, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा, 9 × 10^-4 क्या आएगा, 4 आएगा, देख रहे हैं। तो 9 से 9 कैंसिल, ये हो गया 2.56 और -38, -38 में से 9 जाएगा, कितना होगा, -29 होगा या नहीं होगा, -29 होगा। अब यहां पे है कि F इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, 2.56 × 10^-(-) कितना, 38, और इसको भी ऊपर लेके चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29। तो ये 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2.56 × 10^-25 न्यूटन, और कैसा होगा, अट्रैक्टिव। फोर्स को निगेटिव नहीं लिखेंगे, अट्रैक्टिव कर देंगे, बात समझ रहे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी का, ओके। हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 1.1, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस। आपको पास चार्जेस दिया हुआ है, एक Q1 दिया हुआ है 2 × 10^-7 कूलम, Q2 इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 × 10^-7 कूलम, और जिसके बीच की जो दूरी दिया हुआ है d, वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं क्या, 30 × 10^-2 मीटर ऐसे। तो F इक्वल टू क्या लिखिएगा, 9 × 10^9 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटे d2। तो डायरेक्ट लिखते हैं Q1 का वैल्यू है 3 × 10^-2 × 10^-7, और Q2 का वैल्यू है 3 × 10^-7, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, 900 स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर 900 × 10^-4 स्क्वायर कर दिया।
अब ये देखिए, यहाँ से ये दो जीरो कट जाएगा तो माइनस टू बच जाएगा और ये नाइन कट जाएगा। ओके, ये हो जाएगा कितना, ऊपर में हो गया कितना, सिक्स हो गया, और ये हो गया क्या, फोर्टीन, फोर्टीन हो गया, और यहाँ पर माइनस दो बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो ये हो गया टेन टू द पावर नाइन इन टू, कितना होगा छोटू, टेन टू द पावर नाइन इन टू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व, तो ये आ गया सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री न्यूटन। इसको आप लिख सकते हैं 0.006 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव आएगा, समझ में आया, ये हो गया आंसर। मतलब कि जो फोर्स होगी वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी। देखो यार, यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं रफ करके दिखा दे रहा हूँ, देखो रफ करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना, रफ, अगर रफ मैं करके दिखाऊं तो कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ मैंने 9 इंटू टेन टू द पावर कितना लिखा हूँ 9, फिर मैंने लिखा हूँ 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस कितना 7, फिर लिखा हूँ क्या 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस 7, इतना लिख दिया मैंने, और उसके बाद क्या लिखा हूँ, 30 का स्क्वायर है, 30 इंटू टेन टू द पावर माइनस 2, इसका क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर 9 इंटू टेन टू द पावर, यहाँ पर टू दो दुना छः तो कर ही सकते हो, है ना, ये 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, बेस सेम द पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे, लिखेंगे ना, ये इसका बेस और इसका बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, माइनस 14 लिख दिया। और यहाँ पर देखो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 होगा, इन टू इसके क्या होगा, दो को पावर है तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर दो दो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी 6 इंटू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 9 है ये, है ना, तो माइनस कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऊपर में बेस सेम तो पावर क्या होगा, जुटेगा, तो प्लस 9 प्लस में है माइनस 14 है, तो घट के कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, 10 टू द पावर यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं है तो, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है, तो फिर ये जुटेगा, बेस से मतलब पावर जुटेगा, तो 2 और माइनस माइनस 4 तो कितना होगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 होगा नीचे, तो फिर ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 2, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये रफ कर दिया मैंने, समझ में आ रही बात, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, है ना, एक बार इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर का पहला सवाल है, समझ में आ रहा छोटू। अब बात करते हैं क्या दूसरे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मुझे पता है कि सभी के पास एनसीईआरटी किताब है, ये तो मालूम है आपको, एनसीईआरटी सबके पास है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो मेडिकल की तैयारी करता होगा और उसके पास एनसीईआरटी किताब नहीं है, ऐसा स्टूडेंट पूरे भारत में नहीं हो सकता, होता है क्या, नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 मतलब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, है ना, उसके चार्ज दिया हुआ है, मतलब दोनों का चार्ज दिया हुआ है, एक का चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6, तो इसको लिख दिया मैंने 6 कूलम लिख दिया। ओके, Q2 इज इक्वल टू दिया हुआ है, Q2 इज इक्वल टू दिया हुआ माइनस 0.8 माइक्रो कूलम, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और कह रहा है कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो पहला में आपको कैलकुलेट करना है कि d कितना होगा, d इक्वल टू व्हाट, तो काफ़ी सिंपल है। देखो भाई, f इक्वल टू होती क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, और क्या होगी, ये मॉड निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि मॉड में रहता है चार्ज, चार्ज जो होता है वो मल्टीप्लाइकेशन मतलब Q1 Q2 का मल्टीप्लाइकेशन रहता है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब f का वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखो f का वैल्यू क्या दिया हुआ है, f का वैल्यू दिया हुआ 0.2 दिया है, यहाँ पर लिखिएगा 9 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखिएगा, 9 लिखिएगा, यहाँ पर एक दशमलव को हटाना चाहता हूँ
तो क्या होगा, इसका पावर बढ़ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में अगर आप जानते होंगे तो 4 × 10 कितना, 10⁻⁷। 8 × 10⁻ कितना, -7। और यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, डी का स्क्वायर। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करना है। इस डी को यहाँ लेकर जाएंगे और 0.2 को यहाँ लेकर आएंगे, है कि नहीं। तो कैसा बनेगा आप जरा समझो, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो भाई, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर देखो ये हो गया कितना, 14 हो गया, ये 14 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, अब फिर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10⁹ लिखेंगे, और 10⁻ कितना लिखेंगे, -14 लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं, 7 7 -14 हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे में क्या लिख देंगे, 0.2 लिख देंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये 14 है, ये कितना है, 9 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे क्या, 8, और 10⁻⁵ कितना लिख देंगे, 5 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 / 10, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 10, है ना। तो पहली बात की ये हो जाएगा 4, फिर लिखेंगे क्या, 9 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁵, एक 10 ऊपर चला गया, ये कट गया है ना, तो ये हो गया 10। इसका पावर कितना है, 1, इसका बेस 10 है, इसका बेस 10, इसका पावर 1, इसका बेस -4, तो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 फिर 4 और फिर 4 और 10⁻⁴ कितना, 4, और ये हो गया कितना, डी स्क्वायर। तो डी बराबर क्या होगा बच्चों, डी बराबर होगा अंडर रूट 9 फिर 4 फिर 4 और 10⁻⁴। क्लियर है। तो 9 का रूट कितना होगा, 3, अब 4 का रूट कितना होगा, 2, इस 4 का रूट कितना हो गया, 2, और 10⁻⁴ का रूट कितना होगा, -2, तो ये हो गया 4 × 12 × 10⁻²⁰ मीटर, इसी को लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये समझ में आपको आया, तो आप इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन में आपको अगर डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में हमको क्या करेंगे, टाइप करके बताएंगे कि सर आप रॉफ में हमको कैलकुलेशन पहले बता दीजिए, तो पहले ये टाइप करो, है ना, लिखो, कमेंट करो कि भाई हमको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। मैंने ये सोल्व जो किया है वो ए पार्ट सोल्व किया है, क्या किया है, ए पार्ट। अब मैं जो सोल्व कर रहा हूँ वो कौन सा पार्ट्स है, बी पार्ट्स। बी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, बी पार्ट में कह रहा है कि What is the force on the second sphere due to first? अब कह रहा है ना कि क्या फोर्स होगा, इसी डिस्टेंस पर कितना फोर्स होगा भाई। तो d देखो भाई, d है कितना, 12 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं कि फोर्स क्या होगा, ये तो बकवास हो गया ना बिल्कुल यार। फोर्स कितना होगा, 0.2 ही न्यूटन होगा, 9 होगा इंटू 4 × 10⁻², है ना, माइनस कितना होगा, 8, और फिर यहाँ पर कितना था चार्ज, वहाँ पर था 8, यानी हो गया 0.8 × 10⁻⁷, यहाँ पर -7 होगा, ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है कि इसी डिस्टेंस पर यानी 12 × 10⁻², इस पे फोर्स कितना होगा, ये सवाल पूछा है सर, समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं ना 4, फिर लिख सकते हैं क्या 8, इसको एक साथ लिख सकते हैं 10⁻⁴, यहाँ पर क्या होगा 12 × 12, और फिर कितना होगा 10⁻⁴। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब देखो कैलकुलेशन करना सीखो भाई, पहली बात कि यहाँ पर -4 है, यहाँ पर कितना है -14 है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो -14 अब +4 कितना होगा -10 होगा, -10 अब +9 कितना होगा -1 होगा, बोलो यार। तो 9 × 4 × 8 × 10⁻⁹ कितना 1 हुआ, और डिवाइडेड बाई कितना हुआ 12 हुआ, इंटू कितना हुआ 12 हुआ, ये हो गया 4 × 3 = 12, ये हो गया 3, है ना, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2, समझ में आया। तो 2 × 10⁻⁹, ये हो गया 0.2 न्यूटन, ये हो गया आंसर, है ना। तो इतना फोर्स होगा और वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है,
तो आज के क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये हमारा टारगेट का है ना, जो 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए टारगेट का पहला वीडियो है। इस पर आप लाइक करें, कमेंट करें और वहाँ पर आप लिखें, कमेंट करें कि हमको कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे ये कंसेप्ट हमारी क्लियर नहीं हुई है उसको आप फिर से बताएं, है ना। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को भी क्या एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई इसको बताना है। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।